हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फिर से क्राफ्ट। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया था कि किस तरह से हम रिंग में जो है फैब्रिक लगाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से इसमें पहले डिज़ाइन बनाएंगे और उसको फिर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए वाटर इरेजेबल पेन। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का होगा। तो देखिए, ये है वाटर इरेजेबल पेन। जैसे कि आप मतलब नेम से भी आपको पता चल गया है कि ये वाटर से इरेज हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये इरेज होगा। देखो, मैं इस तरफ को मैं ये बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने एक सर्कल सा बना दिया है। अब मैं इसको इरेज करूंगी। ये देखो, मैंने वाटर ले लिया है थोड़ा सा, वन वन ड्रॉप से। ये देखिए, आप इस तरह से इरेज कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से ये जो है इरेज हो गया। तो आप ये पेन यूज़ कर सकते हो इस पर, क्योंकि ये बाद में जो है इरेज हो जाता है। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा किसी भी ऐप पे, आप जाकर देख लेना। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एम्ब्रॉयडरी से रोज़, एक सिंपल सा रोज़। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें फैब्रिक पे एक सर्कल सा ड्रॉ करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमें निडल लेनी है। इस तरह की निडल है ये, आगे से उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, ब्लंट होती है ये आगे से। तो देखिए, मुझे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करनी है। आप देख सकते हो, इस तरह के मुझे फ्लावर बनाने हैं। तो मैंने जो है पहले पेन से कर दिया है। अब मैंने निडल में थ्रेड लगा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखिए, अब मैं पहले सबसे छोटे वाला जो है ये स्टार्ट करूँगी। अब हमें पहले क्या करना है, जो सर्कल के मिडल में जो है, हमें मिडल से थ्रेड को ऊपर निकाल देना है। ये देखिए, इस तरह से। और हमें फिर फाइव दिखाती हूँ आपको, फाइव स्ट्रैंड्स हमें इस तरह से करनी है। वन, इक्वल डिस्टेंस में आपको करना है ये। एंड टू, थ्री, थ्री, फोर एंड लास्ट वन, फाइव। तो ये देखिए, निडल जो है हमारी नीचे वाली साइड चली गई। अब देखिए, हमें किसी भी एक पोर्शन से थ्रेड को बाहर, तो अब हमें इन पांच में से किसी एक जगह से थ्रेड को बाहर निकालना है। और आप देख सकते हो, अब मैं किस तरह से करूँगी। एक थ्रेड के ऊपर से निकालना है, दूसरे के नीचे से, और फिर एक के ऊपर से और दूसरे के नीचे से निडल को निकालना है। और ये देखिए, फिर मैं ये वाला ऊपर से और यहाँ से नीचे से, इस तरह से आपको करते रहना है। एक को छोड़ के आपको नीचे से थ्रेड निकालना है, जैसे आप देख सकते हो मैं कर रही हूँ। तो देखिए, हमें इस तरह से इसको बना लेना है फ्लावर। इसको टाइट करते रहना है साथ साथ, ताकि लूज ना रहे। ये देखिए, ये रोज़ की शेप का बन रहा है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हमें ये पूरे लास्ट तक कर देना है, जितना हमने सर्कल बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाना है, ये फ्लावर बहुत ईजिली बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस तरह से ये रोज़ जो है बनके पूरा तैयार हो गया है। बस अब हम यहीं पे इसका एंड कर देंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसका एंड करना है। हमें जो थ्रेड और निडल है, उसको बैक साइड लेकर जाना है। ये देखिए, और बैक में हमें यहाँ पे इसमें नॉट दे देना है, ताकि ये जो है खुल ना जाए और टाइट रहे। ये देखिए, इस तरह से। और हमें ये थ्रेड को जो है कट कर, तो ये देखिए, ये हमारा रोज़ बन के तैयार हो गया है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।